हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने मोहल्ले की मस्जिदों का टूर कराऊंगा, क्योंकि तुर्की की छोटी छोटी मस्जिदें भी अंदर से बेहद खूबसूरत हैं। जैसे आप ये मेरे पीछे मस्जिद देख रहे हैं ना, ये हमारे घर के बिल्कुल सामने है और ये भी अंदर से बेहद खूबसूरत है। सो टुडे लेट्स डू अ मॉस्क टूर इन तुर्की, लेट्स गो। ये देखो, ये वाली मस्जिद बिल्कुल मेरे घर के सामने है और ये है अंदर जाने का रास्ता। तो चलते हैं मस्जिद के अंदर। ये बाहर से भी देखो कितनी खूबसूरत बनाई हुई इन्होंने पिलर्स वगैरह। तो अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं आपको मस्जिद। तो जूते यहाँ पर ही उतार दो और यहाँ से हम चलते हैं मस्जिद के अंदर। तो जैसे ही आप मस्जिद के अंदर एंटर होते हैं, सबसे पहले आपको ये एक छोटा सा हॉल नज़र आता है जहाँ पर आप नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। इस हॉल में भी ये जूते वगैरह रखने के लिए भी जगह बनी हुई है और वो जो नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है वहाँ पर आप वजू वगैरह कर सकते हैं। और ये जो बाहर का हॉल है ये भी काफ़ी खूबसूरत है। ये देखो ऊपर की छत जो है, देखो आप, बड़ी अच्छी खूबसूरत से इन्होंने डिज़ाइन वगैरह बने हुए हैं। झूमर भी लगे हुए, छोटे हैं लेकिन खूबसूरत हैं। और यहाँ से अंदर शुरू होती है मेन मस्जिद। तो अंदर चलते हैं, मेन मस्जिद में आपको दिखाता हूँ। जस्ट लुक एट दिस, माशाल्लाह इट्स सो ब्यूटीफुल। स्पेशली ये देखो, ये तो बड़ा सारा इन्होंने झूमर लगाया हुआ है, सो ब्यूटीफुल। और सबसे जो प्यारी चीज़ है ना वो है इसकी छत। लुक एट दिस, ईच एंड एवरी डिटेल इज सो ब्यूटीफुल। और ये कोई हाया सोफिया या ब्लू मॉस नहीं है, ये हमारे मोहल्ले की एक बहुत ही कॉमन सी मस्जिद है। दीवारें देखें आप, छतें देखें, हर एक चीज़ को अच्छी तरह उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, सब टाइल्स लगी हुई हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये मिंबर है, यहाँ पर जुमे के दिन जो है यहाँ पर खुतबा देते हैं इमाम साहब। यहाँ से जो है ये पर्दा लगा हुआ है, इसको उठाकर ऊपर चले जाते हैं। वो देखो ऊपर माइक लगा हुआ है, तो ऊपर वो खड़े होकर खुतबा देते हैं। من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له। यहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं। और ये देखो कैसा, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और ऊपर का मैं एक दफा फिर आपको नज़ारे दिखाता हूँ, इट्स सो ब्यूटीफुल यार, सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह। चारों तरफ जो है ना बेहद खूबसूरत है। और यहाँ की विंडोज़ भी देखो ज़रा, कितनी खूबसूरत कलरफुल हैं। और सबसे जो फेवरेट मुझे लगता है ना वो है ये झूमर जो इन्होंने लगाया हुआ है। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर पे भी अभी हम जाएंगे। तो ये जो जगह बनाई हुई है ना, यहाँ पर इमाम साहब बैठकर हदीसें वगैरह सुनाते हैं, यानी दर्श देते हैं। जो जुमे की नमाज से पहले जो हल्का फुल्का दर्स होता है ना, वो यहाँ पर बैठ के इमाम साहब देते हैं, ठीक है। और ये कुरान पाक वगैरह पढ़े हुए हैं। और ये देखो लाइट्स वगैरह कितनी खूबसूरत है, यहाँ छोटी छोटी डिटेल्स हैं लेकिन बहुत ही प्यारी लग रही हैं, कलरफुल है। और फूल वगैरह हर एक चीज़, आई जस्ट लव इट। यहाँ पर आकर बड़ा पीसफुल और बड़ा अच्छा लगता है। ऊपर से थोड़ा सा मैं फिर दोबारा दिखाता हूँ आपको, बिकॉज आई जस्ट लव दिस प्लेस। और ये जो एक एरिया बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर शायद मौज़न या बैठकर अजान देते हैं वो, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। यहाँ पर अक्सर बैठ के वो कुरान पाक भी पढ़ रहे होते हैं और ये माइक भी लगा हुआ है जो कुरान पाक की तफसीर बयान करते हैं। लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ इस एरिया के बारे में कि एग्जैक्टली ये किस पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है, तो मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। यहाँ पर एक और दरवाज़ा है, ये शायद मौलवी का रूम है या इमाम साहब का रूम है, आई एम नॉट श्योर। यहाँ जाना अलाउड नहीं है। अब हम कोशिश करते हैं फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। अगेन ये छोटा सा हॉल बना हुआ है, यहाँ पर जुमे के दिन जब अंदर मस्जिद फुल होती है तो लोग बाहर यहाँ पर बैठ के भी नमाज़ पढ़ते हैं। और यहाँ से ये है ऊपर जाने का रास्ता। तो ऊपर देखते हैं ऊपर से मस्जिद कैसी है। और ये खिड़कियाँ देखो यार, सो ब्यूटीफुल।
और अनफॉर्चुनेटली आज ऊपर जाने का रास्ता बंद है, ये कोरोना की वजह से सारी मस्जिद ओपन नहीं है, तो मैं अनफॉर्चुनेटली वो आपको नहीं दिखा सकता। और इस तरफ जो है ये वज़ू करने के लिए इन्होंने बनाया हुआ है डाउन स्टेयर्स, मैं आपको वज़ू करने वाली जगह भी दिखाता हूँ। और यहाँ पर अभी ऑटोमेटिक लाइट्स होती हैं, ये देखो यहाँ पर आप वज़ू वगैरह कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल कोई नमाजी नहीं है, मैं आज लेट नमाज पढ़ने आया हूँ असर की इसीलिए। और लॉकडाउन भी है आज, इसलिए लोग जो है ना आते नहीं, और यहाँ पर वॉशरूम वगैरह है एज यू कैन सी। ऊपर चलते हैं, यहाँ पर भी देखो ऊपर कैसी डिटेल्स और कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। और यहाँ पर ये जैसे जूते वगैरह रखने की जगह है, और यहाँ पर भी एक बेसमेंट है। यहाँ पर देखते हैं कैसी है मस्जिद नीचे से बेसमेंट की। वजू करने की जगह है ये भी, बेसमेंट नहीं है इसकी। एक और गेट है जहाँ से आप एंटर हो सकते हैं, और यहाँ पर ये वजू वगैरह करने की जगह है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली मस्जिद अंदर से, ये हमारे एरिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, और ये मेरे घर से तकरीबन 4 या 5 मिनट बाय वॉकिंग डिस्टेंस अवे है। तो ये आप देख सकते हो ये बहुत बड़ी मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत है, तो चलते हैं इस मस्जिद के अंदर। इस मस्जिद का यहाँ पर नीचे तो कोई फ्लोर नहीं है, यहाँ पर इन्होंने रूम्स वगैरह बनाए हुए हैं, लेकिन असल मस्जिद ना ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पर है। जैसे ये रूम्स वगैरह बने हुए हैं, ये इस टाइम बंद है, ये ओपन नहीं होगा आई एम श्योर। हाँ ये ओपन नहीं है, मेन मस्जिद जो है ना वो ऊपर ऊपर है, तो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर मस्जिद का। तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, ये चेक करो यार, वाओ इट इज सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। वो देखो मेंबर चेक करो कितने बड़े बड़े हैं, बहुत बड़ी मस्जिद है ये। इससे मजीद ऊपर भी जा सकते हैं हम, लेकिन इधर से हम जाते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर, इसका फर्स्ट फ्लोर मैं आपको दिखाता हूँ। एंड लुक एट दिस डोर, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लकड़ी से बनाया हुआ इन्होंने। यहाँ से एंट्रेंस है, और ये देखो जरा, वाओ इट इज सो बिग, लुक एट दिस। कितनी खूबसूरत है और कितनी बड़ी है ये झूमर देखो। यहाँ पर तुर्की की हर मस्जिद में आपको बहुत बड़े बड़े झूमर मिलेंगे इस तरह के, जो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अभी लाइट्स नहीं है, अगर लाइट चल रही हो तो ये और भी प्यारी लगती है। ये ऊपर की छत चेक करो, वो देखो वो ऊपर वाला भी एक फ्लोर है। और यहाँ पर सेम इन्होंने मेंबर बनाया हुआ जहाँ पर ये जुम्मे के दिन खुतबा देते हैं। बहुत बड़ी है ये वाली, ये हमारे एरिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। मेरे घर के करीब जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो ये है। वो ऊपर खिड़कियाँ देखो, उनके ऊपर डिज़ाइन चेक करो, हर एक चीज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। छत के ऊपर भी इन्होंने हर तरह से कलमा वगैरह लिखा हुआ है। और ये विंडोज भी बहुत खूबसूरत हैं, स्पेशली दोज मिरर्स एंड डिजाइन, एवरीथिंग इज लाइक अमेजिंग। ऊपर मेरा ख्याल है शायद अभी जाना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको ऊपर से नहीं दिखा सकता, लेकिन कोशिश करते हैं बाहर से थोड़ा और दिखाऊं मैं आपको मस्जिद के। यहाँ पर लाइट कम है, और ये कुछ लोग ये भाई यहाँ पर आराम कर रहे हैं, मुसाफिर हैं ये अक्षमदार। ये भी देखो ज़रा, हर जगह पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ये फनूस लगाए हुए हैं, एंड वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, आई लव दिस मॉस्क। बाहर से भी आप देख सकते हो ये मेन रोड के ऊपर है, और ये बाहर से देखो ज़रा, यहाँ से भी बहुत अच्छी लगती है ये। और ये हमारे मोहल्ले में एक किस्म की नॉर्मल मस्जिद है, सबसे बड़ी है, लेकिन हर हर मस्जिद ही जो है ना इस तरह की इन्होंने बनाई होती है,
टर्किश लोगों ने जो मुझे बहुत पसंद है। और इधर से मजीद ऊपर जाता है रास्ता, आई थिंक सो मजीद ऊपर नहीं चाहे जाता, यहाँ पर भी आप बैठ कर जो है ना नमाज के लिए इन्होंने मजीद एक एक्सटेंशन बनाई हुई है। ये देखो यहाँ से भी आप जो है नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। और ये रास्ता नीचे की तरफ चलता है जाता है, तो नीचे देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये वजू के लिए इन्होंने जगह बनाई हुई है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हो इस मस्जिद का वजू खाना जो है वो इस जगह पर है। और ये अब हम वापस बाहर आ गए हैं, वो देखो सामने पुलिस भी खड़ी हुई है क्योंकि आज लॉकडाउन है, कोई भी बिला वजह बाहर निकले तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, तो मुझे भी एहतियात करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि तुर्की के छोटे छोटे मोहल्ले की मस्जिदें भी कितनी खूबसूरत हैं। तो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये मस्जिदें कैसी लगी। तो मिलेंगे आपको वेरी सून विद अनदर नाइस वीडियो, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। टेक केयर, शोर आउट।